हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय दिस वीडियो। तो गाइस सर, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रियल गियर 20 के न्यू पैच की। जी हाँ गाइस, जो रियल गियर 20 आप सभी को पता है उसका पैच स्टार्क मोड भाई लगातार ला रहे हैं और इसे 25 बना दिया है। तो इसी 25 का जो कि रियल गियर 25 है, इसका न्यू पैच आ चुका है V3। और ये पैच का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है स्टार्क मोड भाई को। तो उनके चैनल को जाके आप लोग फुल सपोर्ट करिएगा। उनके चैनल का नेम नीचे कमेंट बॉक्स पे है, तो आप लोग वहाँ से जाके उनके चैनल को देख सकते हो। फुल सपोर्ट उनके चैनल को करना ताकि आगे हमें और भी बहुत से पैच देखने को मिले नए न्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पैच में क्या कुछ फीचर आए हैं, डाउनलोड कैसे करना है, साथ में अप्लाइंग प्रोसेस क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो को कोई भी स्टेप मिस करते हो तो हो सकता है आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आए, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना। साथ ही वीडियो में जो पैच है उसका एक पासवर्ड भी है जो भी आप लोगों को है, तो सभी आप लोगों को इस पैच में वीडियो पे मिलेगा। तो आप जाके पैच सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को डाउनलोड प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद उसमें अप्लाइंग प्रोसेस और उसका फीचर बताऊंगा। तो जैसे ही आप लोग डाउनलोड लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा डाउनलोड कहाँ मिलेगी। डाउनलोड लिंक तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी लिंक, और टेलीग्राम चैनल का आप लोगों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब आप लोग डाउनलोड लिंक पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड आइकन पर क्लिक करना है। और डाउनलोड आइकन पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो थोड़ा सा लोड लेगा, और लोड लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एंड वेब, यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक जब आप लोग करोगे तो देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है तो मैं नहीं करने वाला हूँ। चलिए मैं आप लोगों को अप्लाइंग प्रोसेस बताता हूँ आगे। तो फिर आप लोगों को आ जाना है अपने ZArchiver एप्लीकेशन पर, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड ऑप्शन पर आना है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों को अपनी फाइल जहाँ भी है वहाँ पर रख लेनी है। और वहाँ पे देख सकते हो ये मेरी फाइल है रियल क्रिकेट 20 V3 IPL अपडेट। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। और व्यू वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पैच फाइल आपको देखने मिल जाएगी। इसको सिंपली आप लोगों को कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप लोगों को आ जाना है बैक, और बैक आने के बाद आप लोगों को चले जाना है अपने एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पे। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पे आ चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों को एंड्रॉयड से ओवीवी क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को com.neutral.realcricket3d आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा फाइल, जो कि आप लोगों को रियल क्रिकेट 20 रहेगी। उस पर आप लोग सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो पेस्ट आएगा, आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके पे क्लिक करने के बाद आप लोगों से पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप लोगों को दे देना है। पासवर्ड क्या होने वाला है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पासवर्ड इसका होने वाला है स्टार्क क्रिकेट मोड। जैसे ही आप लोग पासवर्ड दे देते हो तो ओके के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद कीप डाटा पी आप लोग देख देते हो, थोड़ा सा वेट लेगा। तो चलिए मैं प्रोसेसिंग वेट करता हूँ। उसके बाद वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑल फाइल रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोगों को सिंपली रिप्लेस पर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हो ये फाइल पैच आ चुका है। अब चलिए मैं आप लोगों को फीचर दिखाता देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग अपने रियल के 25 पैच में आ जाते हो, आप देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। उसके साथ मैं आप लोगों को IPL अपडेट जो कि इंपॉर्टेंट है वो दिखा देता हूँ। तो IPL पे सीधे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हो न्यू जर्सी, आपको ब्रांड न्यू जर्सी देखने को मिल जाती है। देख सकते हो सभी टीमों को IPL की, और भी लखनऊ टीम का पूरा स्क्वाड अपडेट हुआ है। तो स्क्वाड भी अपडेट हो चुका है रिसेंटली जो स्क्वाड है। तो इस IPL का पूरा अपडेट ये IPL अपडेट ही है, जिसमें आप लोगों को IPL का पूरा फीचर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।